पंजाबियों का मोर्चा तो असं तो 100 साल सैलीब्रेट किया। इस साल का जो मैगजीन है डेडिकेटेड है उस पंजाबियों के मोर्चे स्पेशल आर्टिकल भी है जो इशू रीड यू कैन गो थ्रू दिस। बाकी बच्चों की पूरी एक्टिविटी सिख कॉन्फ्रेंस सिख डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने भी सारे क्योंकि मेरे तो पहला रोल ऑफ मिनोरिटीज इन नेशन बिल्डिंग के उपर बहुत कुछ फैक्चुअली बोलिया जा चुका है और मैं महसूस करता कि जो गल्लां सानू कालका साहब ने दसियां जो सेवा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुश्किल घड़ी दे कीती है, मैनू नहीं लगता कि इस तो वड्डी कोई नेशन बिल्डिंग का काम हो सकता है। और मेरी नज़र दे विच इन्हां समयां दा सब तो वड्डा नेशन बिल्डिंग का काम कोविड दे विच कीती गई दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा है और ये वास्ते जोरदार तालियों के नाल मैं क्योंकि एजुकेशनिस्ट हाँ टीचर नहीं है, मैं अकैडमिशियन नहीं हाँ लेकिन एजुकेशनिस्ट हाँ। पर कहना है कि मैं उन्ना अच्छा पढ़ लिख नहीं सकता जिन्ना एक टीचर वास्ते चाहिए सी, लेकिन साढ़े समाज के जो कोई इंसान एजुकेशन दे विच कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है तो वो चाहे वह कमरा बना दे कि क्लासरूम बना दे कि इंस्टीट्यूशन खड़ी कर दे कोई लाइब्रेरी बना दे वो एजुकेशनिस्ट होने का हकदार हो जाता है। तो मैं इन्ना भी हकदार हाँ कि मैं सिर्फ एजुकेशनिस्ट हाँ। पर मैं पिछले 23-24 साल तो यह सेवा कर रहा, इस तो पहला कि मैं अपने टॉपिक पर थोड़े गल करा मैं इतने बैठा जो महसूस कर रहा थोड़े शेयर करनी चाहता। मैं इतने आने तो पहला प्रिंसीपल साहब ने पूछा कि मैं क्या सरदार साहब ऑडियंस कौन है, ताकि मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर जावा कि मैं गल कि करनी। इन्होंने दसाया कि साढ़े स्टूडेंट्स ने, मैं इतने आके दोबारा फिर पूछा मैं क्या सारे स्टूडेंट्स जोड़े है ये कि डिसिप्लिन के कि प्रोग्राम के, बड़ी इंट्रस्टिंग आंसर मिलया कहते जी जिन्हों क्लासा नहीं है वो सारी इतने असं बुलाए हुए। इट मीनस कि थोड़ा कोई अकैडमिक लॉस नहीं हो रहा, तुम क्लास में स्किप करके इस जो मैंने दसाया गया हो सकता सच्चाई कुछ होर हो गया कई बार असं भी इस तरह करते हैं। मैं दूसरी गल जी नोट कर रहा सी कि लगभग 1.5 घंटा हो चुका थोड़ा बैठे क्योंकि प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट होना सी, और अगर असी बहुत ही अपने मनपसंद मूवी देखने भी जाइए तो 1.5 घंटे बाद इंटरवल का समा हो जाता सा उठन दिल करता है कि हम एक ब्रेक हो जाए, तो वह समा तकरीबन आ चुके जितों जाके मैं अपनी गल थोड़ी साझी करना चाहना। थर्ड पॉइंट जो मैं थोड़े ना साझा करना चाहना कि तुम स्टूडेंट हो और प्रिंसीपल साहब के कहने मुताबिक जिन्हें क्लासेज नहीं वो स्टूडेंट्स उत्ते बैठे हो, थोड़े दिमाग के जो सवाल है जो मैं महसूस करता कर पा रहा कि असी मनोरिटी के रोल तो की लैना, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो कंसर्न ही नहीं, अरे भी हमें क्यों यहाँ पर बैठाया हुआ, ऐसा दिमाग में सवाल मुझे लग रहा है कि ऐसा है क्योंकि आई थिंक सारे मनोरिटीज बिलोंग नहीं करते होने, कुछ मिक्स क्राउड बैठे हो कुछ सिख स्टूडेंट बैठे हुए हैं कुछ होर हो, लेकिन कितने कितने जहन के सवाल है कि मेरी क्या रेलिवेंस है। और मैं भी ये सोचने वास्ते मजबूर होना पाया कि जो ये टॉपिक है रोल ऑफ मनोरिटीज इन नेशन बिल्डिंग, ये टॉपिक का कॉन्टेक्सट की होवे थोड़े ना गल करदे, क्योंकि ये टॉपिक जो पार्लीमेंट में डिस्कस होता सरदार साहब जानते हैं गुरराज साहब का मैंबर है उसे कॉन्टेक्सट डिफरेंट होएगा, जो किसी पोलीटल स्टेज पर इलैक्शन स्टेज स्टेट के होएगा तो उसे कॉन्टेक्सट डिफरेंट होएगा, और जो इंटलैक्चुअल की मीट होएगी उसे डिफरेंट होएगा, और जो स्टूडेंट्स के नाल गल हो रही है तो सुभाविक है कि यदा कॉन्टेक्सट जोड़ा वो डिफरेंट होना चाहिए। और मैं सिर्फ रेलिवेंस इस्टैबलिश करने वास्ते थोड़े नाल गल साझी करनी चाहना। सब तो पहला फिर डिसाइड करिए कि थोड़े ना रेलीवेंट किए, थोड़े ना इसकी रेलीवेंस कि बन रही है,
हमने तुम सरदार प्रबोचन सिंह जी ने सुनिया एक मनोरिटी इंस्टीट्यूशन है जिते आप बैठे हुए हैं जिते तुम स्टूडेंट हो आई थिंक तुम अवेयर हो अवेयर हो मनोरिटी इंस्टीट्यूशन है देखो ठीक है। दूसरी गल इन्होंने सानू तागीद की सानू हुक्म किया मैंने तो कालका साहब ने कि यह यूनिवर्सिटी बनना चाहिए इंस्टीट्यूट इस तो वो रेलिवेंस की हो सकती है किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के वास्ते तालियां तुम हूँ भी बजा रहे मैं अपनी गल अगर मैं थोड़ी जगह पर स्टूडेंट हों और मेरे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी डिकलेयर करने की गल होंगी तो हूटिंग होनी सी उसे शोर मचना सी कम से कम तालियां चंगी बजनिया चाहिए वास्ते तो पहली रेलिवेंस यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन के तुम स्टूडेंट हो और ता उम्र पूरी उम्र तुम ये एलमनाई रहना अगर यह यूनिवर्सिटी बनता है तो यह अपने आप के सब तो बड़ी रेलिवेंस है। दूसरी रेलिवेंस है कि तुम जो मैंने दसाया गया कि हिस्ट्री फिजिक्स डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो आई एम श्योर कि तुम कोई ना कोई सिविल सर्विस वास्ते भी जाना चाहते हो किन्ने स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस वास्ते IAS IPS बनना चाहते वेरी गुड बाकी की करना चाहते हैं किन्ने टीचर बनना चाहते हैं अपना मसला हल हो जाना इतने किन्ने पोलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं सिर्फ एक अरे वाह ये खेल पता नहीं होता किन्ने बनना बाद पता चलता जो पिछों धक्का लगता और तुम बन जाने इस अपने वालों होंगे तो मेरा ये गल थोड़े नाल करदा भाव से कि एक तो तुम देखो कोई भी प्रोग्राम है उसकी सक्सैस उसकी ऑडियंस ना होंगी और ऑडियंस जो डेढ़ घंटे तो बैठी हो सबजेक्ट में इंट्रस्ट ना हो बड़ा ऑड लगता बोलने वाले वास्ते भी कि हम अपनी बात करके चले गए लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं थोड़े ना मिल के गल करनी चाहूँगा क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज नूं अंडरस्टैंड कर पाऊँ मैं महसूस करदा कि जिहड़ा देश का फ्यूचर है वो थोड़े हाथ में है वो तुसी जिहड़ी गल साडे देश के प्रधानमंत्री मनोरिटीज़ ने जिहड़ियां सिख मनोरिटीज़ हैगियां ने इत्थे गल सिर्फ एक मनोरिटी की हुई है सिख मनोरिटी की हुई है क्योंकि असीं सिख इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं लेकिन मैं सारिया मनोरिटीज़ की गल करनी चाहूँगा चाहे वह बुद्धिस्ट ने चाहे वह जैनस ने चाहे वह मुस्लिम ने चाहे वह पारसी ने और चाहे असी सिख है गए सब तो पहला मुद्दा होंदा है देश दे आकार दा देश दी होंद दा और होंद की किदां बनी चाहे वह मुगल आए चाहे अंग्रेज आए जदों उन्हां दे नाल लड़न दा समां आया तो किसी ने देखा कि मेरी गिनती किन्नी है किसी भी मनोरिटी ने यह हिसाब किताब नहीं लगाया कि जदों मुगलों नाल लड़ाई लड़नी सी तो मेरी हैसियत की है मेरी गिनती किन्नी है और जो अंग्रेजों ने इतों पहुँचा सी उस वेले भी कोई हिसाब किताब नहीं रखे ताही इतिहास दर्द के सब तो वध जिहड़ियां कुरबानियां है वो मनोरिटी तो मनोरिटी के विचों सिखां ने देश में आजाद कराने वास्ते देश की जी होंद है देश का जो आकार है देश दी जिहड़ी सरहदां दी राखी तक अज तक लैके जो रोल मनोरिटी का हैगा जो उत्ते सिख जरनैल जो उत्ते मुस्लिम जरनैल जो उत्ते बाकी कौमों के जरनैल जो खड़ के देश वास्ते दुश्मन लड़ते हैं चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो ते देश का आकार जिहड़ा हैगा उसनू बरकरार रखने दे विच उन्हूं बनाने दे विच सब तो वड्डा रोल जिहड़ा हैगा वो मनोरिटी का वह हिस्टरी दे विच लिखिया हुआ उस तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा रोल हैगा जिहड़ा इंपोर्टेंट रोल फराज साहब मैं समझदा किरदार कि किसी देश का किरदार की है कि यह फिरकू देश है कि यह फिरका प्रस्त सोच वाला देश है जिमें कि साडे गुआंढी देश है पाकिस्तान है दूसरे देश है सिर्फ मनोरिटीज़ ने यह गल इस्टैबलिश की है कि भारत एक फिरका प्रस्त देश नहीं हैगा इस सारे धर्मां दे लोग ये निरपक्ष सोच वाला देश हैगा सारे धर्मां दे लोग गुलदस्ते दे रूप च रहिंदे अगर भारत के मनोरिटीज़ ना हो जा ना होंदियां तो यह गल वास्ते किसी को प्रमाण देने की लोड़ नहीं सी कि एक ही सोच एक ही धर्म वाला देश जिहड़ा उन्हूं फिरका प्रस्ती दे दल दे विच आउणा सी और मनोरिटी के जदों रोल नूं देखदा तो मैं ये महसूस करदा कि सब तो वड्डी भूमिका साडी इस देश के जिहड़े किरदार है
पूरी दुनिया के विच कि धर्म निरपक्ष सोच वाला संविधान धर्म निरपक्ष देश भारत इसका किरदार बनाने के सब तो वड्डा रोल इसका आकार बनाने विच इसका किरदार स्टैबलिश करने मनोरिटी का सब तो वड्डा रोल अगर मनोरिटीज ना हो तो शायद भारत जो धर्म निरपक्ष देश कभी ना कह सकता।